हमने जब से ये चैप्टर स्टार्ट किया है तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन देख रहे हैं, जिसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और वाइब्रेटरी मोशन को काफी डिटेल में देखा। हमने देखा कि कैसे बॉडी जो है मूव कर रही है फ्रॉम अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन और एक्सट्रीम से मीन। ठीक है, अब जो हम मोशन को स्टार्ट करने लगे हैं वो है वेव मोशन। और वेव मोशन को स्टार्ट करने से पहले आपको वेव के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली वेव है क्या। तो वेव एक ऐसी चीज है जो अपने अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन कैरी करती है और वो डिस्प्लेस करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और वेव को आपकी बुक में डिफाइन कैसे किया गया है कि अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट कैरीज एनर्जी विदाउट अ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। यानी कि वो अपने अंदर कैरी करती है एनर्जी को और वो पहुंचाती है दूसरी जगह विदाउट अ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी कि सारे पार्टिकल नहीं जो आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में भी कि किस टाइप्स की वेव्स होती हैं और क्या कुछ होता है। लेकिन अब मैं इसकी एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे आप एक पेंसिल को देखें एक बॉक्स में, इस बॉक्स में हमारे पास वाटर है यानी कि एक टब्स है जिसमें वाटर है और एक कॉर्क है, और पेंसिल को आप अगर उसके अंदर डिप कर रहे हैं और बार बार उसको डिप कर रहे हैं, निकालते हैं और डिप करते हैं, तो होता क्या है कि उसके अंदर कुछ वेव्स जनरेट होती हैं, यानी कि कुछ वाटर वेव जनरेट होती हैं जो उस कॉर्क को मूव करवा रही हैं अपने किसी एक पॉइंट से उस एंड ऑफ द टब तक। यानी कि जो जो हम पेंसिल को अप एंड डाउन डिप कर रहे हैं उसकी वजह से वेव जनरेट हो रही है, और वेव जनरेट होने की वजह से कॉर्क मूव कर रहा है। इसके अलावा आपके पास जो दूसरी एग्जांपल है कि अगर आप एक स्ट्रिंग को यानी कि एक रोप को किसी एक रिजिड स्पोर्ट के साथ टाइटली हैंग कर दें और उसको आप जर्क दें, तो हमारे पास वेव मूव करती है, यानी कि वो जो रोप है ना वो वेव बनाती है, मूव करती है इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। और जो यानी कि हमारे पास इसका अपर पार्ट होता है वो हमारे पास क्रस्ट कहलाता है और इसका जो लोअर पार्ट होता है वो हमारे पास ट्रफ कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास इस वेव की ना दो टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर मैं मैकेनिकल वेव की बात करूं तो ये वो वेव है जिसमें हमारे पास मीडियम की जरूरत होती है इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में, और इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है कि वेव विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं आपके पास साउंड वेव, वाटर वेव्स या वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग। अगर मैं आपके पास साउंड वेव की बात करूं तो साउंड वेव में हो क्या रहता है, हमारे पास एयर एज अ मीडियम ट्रीट हो रही होती है, यानी कि अगर हमारे सराउंडिंग्स में एयर खत्म हो जाए तो हमारी आवाज एक दूसरे को सुनाई ना दे, यानी कि साउंड वेव ट्रेवल ही नहीं कर रही होगी। तो इससे हमें पता चला कि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। अब इसी के ऑपोजिट हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन कैसे किया जाता है, द वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स हैं एक्सरेस की, हीट एंड लाइट वेव्स की। ठीक है, ये हमारे पास सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। अब लाइट वेव ऐसी है कि जैसे हमारे पास सनलाइट अर्थ तक पहुंच रही है, सन से लेके अर्थ तक हमारे पास दरमियान में ऐसी जगह भी है जहां पे हमारे पास नो एयर यानी कि वैक्यूम है, लेकिन वहां पे भी मीडियम ना होने की वजह से भी लाइट हमारी ट्रेवल कर जाती है, विच शोज के लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अभी तक इस वीडियो में आपने देखा कि वेव किस तरह ट्रेवल करती है और वेव की बेसिकली कितनी टाइप्स होती हैं। इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ना मैकेनिकल वेव की भी फर्दर टाइप्स को डिटेल में देखेंगे।